हमारी डीसी साहब से हमारी लाश मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग अपना आप मारने को तैयार हो रहे हैं। नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आई बैन न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं मुश्ताक अली बाबा। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि सुसाइड के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों का मानना है साइकोलॉजिकल टेंशन, कुछ लोगों का मानना है डिप्रेशन। लेकिन अगर किसी के पास डिप्रेशन भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, पैसे भी है, लेकिन फिर भी सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। आज हम आए हैं उस इलाके में, कल ही जो वीडियो वायरल हुआ कि कुपवारा के एक होनहार बच्चे ने सुसाइड किया श्रीनगर में, सीमेंट कदल कमरवारी पे सुसाइड क्यों किया अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर हम उसकी बैकग्राउंड की बात करें, फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड था, घर का सपोर्ट भी अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, हाल ही में मैट्रिक पास किया था और 400 से ज़्यादा नंबर जो है हासिल किए थे। आज श्रीनगर में एडमिशन लिया था इस आश को लेकर कि मेरा करियर बन जाएगा और वहाँ पार्ट टाइम अपने भाई के साथ रहता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यह पता नहीं चला कि दो दिन पहले उसने सुसाइड क्यों किया। सुसाइड करने से पहले घर वालों को एक वीडियो भेजा, वीडियो में यही अपील की अपने पेरेंट्स को कि मुझे माफ़ किया जाए। अब जो हादसा जो है वो हो चुका है। अब इस वक्त मेरे साथ मकामी लोग हैं, यहाँ पे मनीगा एरिया में मैं आया हूँ, तकरीबन कुपवारा ज़िला से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे वाका। ये उस शख्स का घर है, ये मकान है और ये बस्ती जो है ये इस वक्त मुसीबत और गम में है। ये पूरा एरिया इस वक्त मुसीबत में है कि इतना होनहार बच्चा, इतना ज़हीन बच्चा, इतना काबिल बच्चा सुसाइड क्यों कर। ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना तो फैमिली की कोई प्रॉब्लम थी, फिर यह क्यों हुआ। मेरे साथ इस वक्त मकामी लोग हैं और इन्होंने हमें इसीलिए बुलाया है कि जो बॉडी है वो अभी ट्रेस नहीं की गई है, वो अभी दरिया से रिट्रीव नहीं की गई है, क्योंकि ज़िला जो है वो श्रीनगर पड़ता है और ये लोग जो है ये कुपवारा में रहते हैं, बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं। यहाँ पर मकामी लोगों की फरियाद सुनते हैं और ये क्या अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर तक पहुँचाना चाहते हैं। वजीर मोहम्मद हूँ, गिलास दजी मनीगा से, जो कुपवारा से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी गुजारिश है हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब श्रीनगर से, मेरी गुजारिश है कि हमारा नौजवान बच्चा तालीम याफ्ता दो दिन कबल सीमेंट कदल कमरवारी से गिरा, छलांग लगाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह जानने वाला। मैं तमाम हुकूमत के सरबराहों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी डेथ बॉडी हमें 24 घंटे के अंदर अंदर वापस दी जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास वसाइल कुछ भी नहीं है। हम मजदूरी करके, मजदूरी पेशा लोग हैं, मजदूरी करके अपना वक्त गुजारते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम ढूंढें उसे निकालें। यह हुकूमत का काम है, मैं हुकूमत के सरबराहों से गुजारिश करता हूँ और हार कर डीसी साहब श्रीनगर से मेरी गुजारिश या अपील करता हूँ कि वो हमारी डेड बॉडी हमें वापस दिलाई जाए। मैं आपका मशकूर रहूँगा, हमारी मदद अल्लाह करे और फिर बैग में आप करें, बाकी बस सलाम। ये और एक यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स है, करीबी रिलेटिव्स है जो यहाँ पे वो लड़का है जिसने सुसाइड किया है, हम उस उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मनीगा से बोल रहा हूँ, मनीगा से। ये हमारा मासेरा भाई है, तो हम इसकी डेड बॉडी, ये ठीक ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास ये पढ़ता था, तो अब हम इसकी डेड बॉडी से कर रहे हैं, तो अभी कोई क्लियर नहीं है। सर नाम बताइए अपना। बशीर अहमद आंगर आरो मनीगा गिलास जी। बशीर साहब, ये जो ये वाकई जो पेश आया इस पे तो आपको सबको पता है कि कितना बड़ा दुख है। तो डीसी कुपवारा और डीसी श्रीनगर से गुजारिश करते हैं कि हमें इसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए। ये सुसाइड केसेस का तो हमें कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसको तो ना कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी और ना ये इनके घर में इतना बड़ा परिवार नहीं था कि जिसकी वजह से ये सुसाइड करता। अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें 8 बजे पता चला कि लड़का, 8 बजे से पहले ही पता चला कि लड़का गुम हो गया है। फिर हम सुबह 3 बजे जब हम गए यहाँ से, तो हमें वहाँ के लोगों ने कहा कि उसने सुसाइड किया है, इस तरह एक लड़का था जिसने छलांग लगाई है। तो बाद में हमें इसके बारे में पता चला कि ये वही लड़का है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीक है कि आज दूसरा दिन काम चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल काम सुस्त हो रहा है। अगर ये और किसी जगह पे होता तो
तो अभी तक लाश लाहकीन के हवाले की होती, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम डीसी श्रीनगर से गुजारिश करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ जेएनके से गुजारिश करते हैं कि हम गरीबों की पूरी से पूरी मदद की जाए। जी नाम बताइए अपना। हमारा नाम फातिम जान। क्या कुछ कहेंगे इस हादसे? हम कहना ये चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एसपी साहब से और कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा डीसी साहब से, कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी आज दो दिन से नहीं मिल रही है। जो वहाँ पे काम करते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सही उन्होंने काम किया होगा। हमारी डेड बॉडी रात तक मिल जाती थी, लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया है। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम बिल्कुल पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हम लोग दूर रहने वाले हैं। नहीं उन्होंने किसी जगह में बताया, नहीं वहाँ श्रीनगर एसपी साहब ने हमारी असली तरीके से जो करना था उसको आवाम के साथ, अपनी पब्लिक के साथ उसने भी नहीं किया है। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब ने भी हमारा कुछ भी अभी तक नहीं किया, हमारी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डेड बॉडी मिलनी चाहिए शाम तक, नहीं तो हम अपना आप भी मार सकते हैं। हम श्रीनगर लाल चौक में हम वहाँ पे धरना दे के बैठेंगे, जब तक हमारे बेटे की डेड बॉडी नहीं मिलेगी हम लोग तब तक वापस नहीं आएंगे। आप ये देख सकते हैं, हम बिल्कुल गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं कि हम वहाँ उसका ढूंढ करें, किसी को पैसा दे के हम ढूंढने के लिए लाएं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये अपील करते हैं एसपी साहब से, श्रीनगर एसपी साहब से और कुपवाड़ा एसपी साहब से, हमारी डीसी साहब से हमारी लाश मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग अपना आप मारने को तैयार हो रहे हैं। मेरा नाम गुलजार अहमद खान है, हम मिनीगा से ताल्लुक रखने वाले हैं सर। ये जो हादसा हुआ, अलमनाक हादसा, इस बस्ती पे इस वक्त मातम छाया है जी, तो मुझे बताइए क्या अपील रहेगी? हमारी अपील यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी डेड बॉडी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दूर दराज के लोग हैं, हमें इतना वाबस्ता वहाँ पे नहीं है, ना हमें हमारी वहाँ तक पहुँच है। हम डीसी श्रीनगर से ये अपील करते हैं, आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि हमें ये डेड बॉडी मिलनी चाहिए। और मत थे या कोई और टेंशन मत था सर? बिल्कुल, इनका छोटा परिवार है, बिल्कुल खुशहाल में रहते थे, खुशहाल थे ये, थोड़ा मेहनत अपनी करते थे। इसने हाल में ही मैट्रिक पास किया है, 400 एबो मार्क्स इसने हासिल किए हैं। आगे भी इसका करियर ठीक ही था पढ़ने के लिए, यहाँ से श्रीनगर में एडमिशन की है इसने। हाल घर में बिल्कुल ठीक है, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अपने गरीबी का दिन अच्छे तरीके से निकालते थे। फरियाद आपने सुनी, बस हर एक यही अपील कर रहा है कि जो बॉडी है वो जल्द अज जल्द हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, उसको रिट्रीव करना चाहिए और लाहकिन के हवाले वो बॉडी जो है वो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी तो हम लाल चौक में प्रोटेस्ट करेंगे। आप बने रहें आई बैन न्यूज़ नेटवर्क।